हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनुज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। यदि आप 9 क्वेश्चन तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंतिम प्रहार की पूरी सीरीज मेरे साथ चल रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी चल रही है। कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत अच्छी शुभेच्छाएं आपको। और आइए देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या है। 9 क्वेश्चन है हमारा रिग्रेशन मॉडल फोरकास्ट सेल। अच्छा, अभी अपन ने फोरकास्ट की एक टेक्निक इससे पहले देखी थी, कौन सी देखी थी, रेशो और मूविंग एवरेज की, दोनों देखी थी। अब आ जाता है रिग्रेशन मॉडल। अब रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना, और इंडिपेंडेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। लाइक कि मेरे अब मेरे एक्सपेंसेस जो है वो मेरे किसके ऊपर डिपेंड होंगे, मेरे इनकम के ऊपर डिपेंड होंगे, क्लियर है। तो इनकम क्या है, एक तरीके का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सपेंसेस क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और मेरी रिसर्च कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट की बाइंग बिहेवियर की मेरी रिसर्च चल रही है, तो मेरे लिए बाइंग बिहेवियर में दो वेरिएबल आइडेंटिफाई हुए, एक हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरी इनकम है, जिसका कुछ प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरे वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे एक्सपेंसेस होंगे, मेरे टेस्ट, चॉइस, हैबिट, जेंडर, कल्चरल, सोशल, ये सारे के सारे इश्यूज उसके अंदर आ जाते हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बाइंग डिसीजन बताते हैं। तो रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को चेक करते हैं, इसीलिए एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर किया जाता है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा चेक किया जाता है कि एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू कितनी बढ़ती है, वाई की वैल्यू कम करने पे एक्स की वैल्यू कितनी कम होती है, ये चेक करना होता है। इनकम बढ़ने पे कितना एक्सपेंसेस कम होगा या ज़्यादा होगा, ये चेक करना होता है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट सेम में अपन ने सीखा था। अब रिग्रेशन मॉडल होता है, इसे सेल्स का हिस्टोरिकल बेस्ड डेटा के ऊपर हम चेक कर देते हैं कि जब जब हमने किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई है, उतने उतने टाइम के लिए उसकी डिमांड उतनी कम हुई है या उतनी स्टेबल रही है, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं। जब जब दिवाली का सीजन आया, दीपावली का सीजन आया, तब अब तब हमारी सेल्स इतनी बड़ी है, तो दीपावली का सीजन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं, वो तो आएगा ही आएगा, राम जी तो आएंगे ही आएंगे, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन उस समय हमारा प्रोडक्शन स्टॉक जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारे हाथ में। ईद जब आनी होगी, होली जब आनी होगी, क्रिसमस जब आना होगा, वो तो आएगा ही, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी इन्वेंटरी, हमारे डिस्काउंट, हमारे फीचर्स, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी, हमारा कस्टमर बिहेवियर, हमारे प्रोडक्ट की गुडविल, वो सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारी सेल्स को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्शन करते हैं। जब हम रिग्रेशन मॉडल का एनालिसिस कर रहे होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस होता है कि पिछले साल कितना रहा था और एक्स और वाई के बीच में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से रहते हैं। डेटा को प्रोसेस करते हैं, मीन्स कि हम रिग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं और उसको डेटा को प्रोसेस होता है। उसमें अब डिफरेंट मॉडल्स होते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो सिंपल लीनियर होता है, मल्टीपल लीनियर होता है, पॉलीनोमियल रिग्रेशन होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है। इनके थ्रू, किसी के भी थ्रू अपन अपने रिग्रेशन को सॉल्व करते हैं और फिर उस मॉडल को ट्रेन करते हैं, मतलब उस मॉडल को प्रिपेयर करना है। यहां पर ट्रेनिंग का मतलब ही उसको प्रिपेयर करना ही है। उसके बाद अपन उस मॉडल को इवेल्युएट करेंगे, यानी कि इंप्लीमेंट कर देंगे कि हमने जब जब 20% डिस्काउंट का ऑफर दिया, हमारी सेल्स इतने परसेंट जंप हो गई, तो हमने उसको इवेल्युएट करने के लिए अप्लाई कर दिया। और उसके साथ उसके वेरियस टूल्स हैं, स्टैटिकल टूल्स, जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ये सारे स्टेट्स के टूल हैं, है ना। तो अभी केवल नाम ही याद रखने, इसके फॉर्मूले याद नहीं रखने, बाकी बिजनेस स्टैटिक्स की क्लास में मैंने ये सारे समझाए, ठीक है। फर्स्ट सेम से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब पढ़ चुके हैं। मॉडल रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट का मतलब यहाँ पर जब हमने मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया, अगर उसको अपडेट करना है तो ठीक है, वरना वही मॉडल अपन से फिर से हो जाएगा और फोरकास्ट कर दिया जाएगा कि ये मॉडल करा था, इसे ये हमने अपडेट करा और ये इंप्लीमेंट हुआ और फिर हमने अपडेट करा और ये फाइनली हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि इतने टाइम बाद जब अगले साल दिवाली आएगी, अगले साल ईद आएगी, अगले साल होली आएगी, क्रिसमस आएगा, तो इतने परसेंट सेल्स हमारी जंप करेगी या डाउन में जाएगी, ये रिग्रेशन एनालिसिस से हमने चेक करा। अगर हम एक्स वेरिएबल को इतना हटा देंगे, इसलिए एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स करके दो लीनियर रिग्रेशन बनाए जाते हैं और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। आप ये बात नोट करिएगा, ऐसी एक सिंगल सी लाइन बनानी और ये बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब हर एक की एक से दूरी चेक करी थे, इसकी दूरी इससे चेक होती है, इसकी दूरी इससे चेक होती है, ये रिग्रेशन एनालिसिस में किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, केवल डॉटेड बना देना है आपको, यहाँ पर डॉट्स कर देना है ना। तो ये एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स की अपन फॉर्मूला और ग्राफ आप एक बार चेक कर लेना, काफ़ी ईजी मेथड है। यानी अभी तक मैंने फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग में डिमांड की इलास्ट्रिसिटी आपको इंपॉर्टेंट बताई है, जिसमें प्राइस इलास्ट्रिसिटी अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मूविंग एवरेज, रेशियो एनालिसिस, और इसके अलावा मैंने अभी बता दिया है आपको रिग्रेशन
एनालिसिस। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है और बट स्टैटिक्स टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसमें थ्योरी लिखते समय याद रखना, जैसे मैं मार्केटिंग एनालिटिक्स में बोलता हूँ कि जो सही है वो लिखना है, ना कि ज़्यादा आपको इसके अंदर कॉपी भरनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।